शुक्र की। जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना, एहि वाणी जो जियो जाने तिसे अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे जन मन पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कन्नड़ा महल्ला पंजवां तन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन वड पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी ओर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथम अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रत्नागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी तू अथम अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रत्नागी नानक
जाचक हर हर नाम मांग मस्तक आन तरियो प्रभ पागी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1301 अंग ते दर्ज है। इस शब्द दी विचार भाई जोगिंदर सिंह जी हट ग्रंथी गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नू सरवण करवाउणगे। भाई साहब होरां ने बहुत सारियां सेवावां इन्हां दिनां दे विच गुरु के लंगरां वास्ते यूपी दे विच उगराही करदिआं कीतियां ने, उस दा धन्नवाद। आओ जतन करिए कि साडे दरवाजे तो साडे बूहे तो साडी गली चो कोई भी भुखा व्यक्ति ना लंघे। साडी अमीरी शर्मसार हो जाएगी जे कोई गरीब साडे बूहे तो भुखा लंघ गया। बेशक उन्हों सिंपल दाल प्रशादा बनाओ, रोक के कवो जे आपां होले महल्ले ते जांदियां संगतां हजूर साहब दे पटना साहब दे हेमकुंड साहब दे रस्ते दियां संगतां नूं रस्से ला के रोक सकदे आ, ते इन्हां गरीबां नूं रोकण दी लोड़ नहीं। उते लंघ दे शायद वेखदे होणगे केड्डी वड्डी कोठी चों शायद कोई व्यक्ति आवाज़ दवे कि भाई प्रशादा छक जाओ। गुरु नानक बड़े खुश होणगे। गुरु नानक दियां बख्शिशां तुहाडे दर ते तुहाडे घर ते आ जाणगियां। आओ आपां जतन करिए। मैं कल भी बेनती कीती सी, अज वो रोटी नूं तरसदे ने, कल असी लेबर नूं तरसांगे। असी हाथ भी जोड़ांगे ते इन्हां लोकां ने वापस नहीं आउणा। ये रब दी करोपी है, ये रब दा इम्तिहान है। बंदे दा पेपर रब ने बंदे नूं पा दित्ता है कि मैं वेखदा कि बंदिया तू पास हुंना है कि फेल हुंना है। देना ते रब दे दित्ते विचों ही है ना। सो वो सिख जिहड़े कदे एक रोटी भी वंड के खा लैंदे सी, आओ आपां जतन करिए। सानू अपनी रोटी वंडण दी लोड़ नहीं, रब दे दित्ते विचों थोड़ा जिहा वंडण दी लोड़ है। बहुत शोभा गुरु नानक साहब दी, मैं सवेरे उठिया एक वीडियो आई, वक्रे वक्रे धर्मां दे बच्चे कह रहे सन कि जे सरकारां नूं दान देना है, NGO नूं दान देना है, ते जे चंगा हुंदा इहदे नालों किते गुरुद्वारिआं नूं दित्ता हुंदा ते अज भुखा कोई नहीं सी रहना। सो भाई आओ किसे भुखे दी भुख मिट जाए, किसे राहगीर मुसाफर नूं दो घड़ियां बैठण वास्ते अपने घर दे बाहर कोई टेंट ला दे, कोई दो घड़े पानी दे सड़क ते रख दो कि वो जांदे जांदे पानी पी जान। आओ इस सेवा वाले पासे अपना मुँह करिए, अपना मुख करिए। वो ना होवे कि ये वक्त कट जाएगा, साड़ी अमीरी शर्मसार हो जाएगी। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Good.
ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद ओट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो हो रखन हार दयाला नानक करके गोले जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जमी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हूँ कर ही बखियान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हूँ कर ही बखियान साहिब सतगुरु जगत गुरु कलयुग दे तारणहार शब्द अवतार शब्द गुरु पीरा गुरुदेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज हजूर देव सनमुख सजे दीवान मुबारक मुकद्दस अस्थान अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे पवित्र चरण शोह प्राप्त उस दरबार जिस दरबार दा नाम किते कोई कन्नी अज सुन लवे ते जिथे पहलो एक गल आम गुरु दे बचना मुताबक प्रचलित सी क्योंकि गुरबाणी दा साडे इतिहास दा ए तत साडे विच सामने है श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस डिठे सब दुख जाए। अज कोई सिख किसी भी जगह ते खड़ के कोई भावें एक पानी की सेवा करता है ते मैं क्योंकि इन्हां दिनां विच भी विचरिया ते हैरानगी हुई कि लोग आखदे ने ये बंगला साहब वाले गुरु दे सिख है। यह वास्तविकता इस पावन दरबार जदों का यह दरबार है जदों के गुरु पिता के मुबारक चरण पे यह सच है कि वह जय सिंह का बंगला जदों बंगला साहब होया अज दुनिया नू मनना पिया कि बंगलिया वाले दाते दे बंगले कदे खाली नहीं ऐसे दीन दयालु परम कृपालु क्योंकि बहुत वड्डे बंगले खंडर होए बहुत बंगलिया वालियां दे नाम लोग इतिहास विच्चों भी मिटा चुके हैं पर इस दाते दे बंगला साहब दी शोभा इतिहास दे पत्रियां ते जो लिखी हुई है एक होर नवा इतिहास के जदों किसी का कोई सहारा नहीं बनिया
उदो मेरे दाते दे घर तो आसरा मिल गया। ऐसे गुरु के दरबार विच रोजाना मुताबक अमृत बाणी दे पाठ नितनेम हजूरी रागी सिंघा पासों गुर शब्द कीर्तन संगतां ने आपो अपने घरां विच बैठ के जो भी मीडिये दा माध्यम है उस राही श्रवण कीता है। उपरंत नियत समा जो गुरबाणी दी विचारद है अज विचार अधीन आए पावन शब्द उस दा मूल पाठ इस पवित्र अस्थान दे मुख ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुरां पासों श्रवण कीता है। आओ ये जो पावन शब्द कानड़ा राग विच शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज जी दे मुखारविंद चों उचारण होया राग कानड़ा दे विच है। इस दी विचार अते जो इस विचार विच परमेश्वर दियां वडियाईयां ते उस दे शोभा दे नाम गुरु ने वरते हन उन्हां नू समझण अते जानण दा जतन करना है। सो मनोबिरतियां एकागर करदे आं विचारां नाल जुड़न तो पहलों दिओ असीस गुरु फतेह दी प्रवानगी बख्शो जी कोई रसना वांझी ना रवे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कानड़ा महला पंजवा राग कानड़ा है पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव पातशाह दे अमृत बचन हैं। पहला बंद रहा उदय सतगुरु बख्शिश करते ने धन ओ प्रीत चरण संग लागी। ओ प्रीत धनता योग है मुबारक प्रीत है जेड़ी मालक दे चरणा नाल जुड़ती है। चरणा नाल प्रीत ये बहुत वड्डे गुण हैं क्योंकि अज भी देखो साढ़े इंसानी समाज विच मनुखी समाज विच अपने वड्डे वडेरियां वास्ते भावें वह नेड़े है ते भावें वह दूर है असी जदों भी मिलते हैं ते अपने बुजुर्गां दे वास्ते शब्द वरतदे हैं पैरी पैना। असी गुरु दे बाणी मुताबक गुरु दे सिद्धांत मुताबक चरण प्रीत बारे गल कर रहे हैं। चरणा विच झुक के नमस्कार करनी ये अपनी होमै नू अहंकार नू मारना है। चरणा नाल प्रीत ये निवण वाले दे जीवन दे गुणा नू प्रगट करती है। इत्थे मालक दे चरणा नाल प्यार पहली गल ते मालक दी मूरत की है क्योंकि चरण जेड़े ने वो मूरत दे हुंदे है। पातशाह कहिंदे गुर मूरत गुर शब्द है। गुरु दी मूरत गुरु दा शब्द है गुरु दे शब्द विच जुड़ना है गुरु दे ज्ञान नाल जुड़ना है गुरु दे सिद्धांत नाल जुड़ना है। ते जिन्हां दी प्रीत उस मालक दे चरणां नाल जुड़ी गुरु प्यारे ओ धनता योग है। नाल बचन आया कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़भागी रहाओ। इस प्रीत दी बरकत बा कमाल है। मालक कहिंदे ने करोड़ां जाप तप और इन्हां जाप ते तप तो प्राप्त होए जिहड़े सुख ने एक गल दा ध्यान करना जरूरी नहीं कि बहुत सारे जाप कीते हैं तप साधे हैं मनुख नूं सुख मिलदा है। देखो एक अर्ज करां हर धर्म की अपनी विचारधारा है हर मत अपने सिद्धांत नूं आधार बना के चलना चाहुंदा है। किसे विच जप की महत्ता है किते जाप दे नाल तप की महत्ता है। पर गुरु पिता जी ने इत्थे जिहड़ा बचन अज के आखदे ने तैनूं जप ते तप जिहड़े ने उन्हां कोलों सुख वखो वखरे रूप जाके लभण दी मंगण दी लोड़ नहीं उन्हां नूं मिलणगे नहीं मिलणगे इस गल दी कोई गरंटी नहीं गवाही नहीं।
पर कहिंदे जे तू किधरे मालक दे चरणा नाल प्यार पा लवे ते गुरदेव कहिंदे ने मैं तेरे नाल इकरार करदा हां, मैं तैनू इस गल दा विश्वास दिवाना चाहुंना कि तैनू सुख प्राप्त होणगे। और सुख ऐसा सुख जेड़ा किसे जप तप तो बाद मिलदा ते बंदियां च बोतियां च अहंकार दा रूप प्रगट हुंदा, पर इस दा आरंभ ही गुरु प्यारियो निम्रता दे नाल है, क्योंकि चरणा ते निवना निम्रता दा सूचक है। ते जेड़ा मनुख इस रस्ते ते तुर पिया उस दे अंदर ओ जप तप नालों भी किधरे वध सुख मिलदा है। ते पातशाह कहिंदे ने आए मिले पूरन बड़भागी, वड्डे भाग पूरन भागां दी बरकत नाल ओ परमेश्वर मिलदा है। ये एक सुचजे ते सुंदर ते पूर्ण मनुख दे गुणा विच है कि उसनू रब मिलदा है, और रब विच अकीदत विश्वास रखदा है, अपने आप नू निभा के रखदा है। हुण अर्ज करां क्योंकि शब्द दो पदियां दे है, दो बंद ने, स्वरूप करके आकार करके बचना नू देखदे हां ते मालक दी शब्द की बनाई बनतर बड़ी छोटे आकार विच, ऐसा नहीं कि बहुत विशाल वड्डा शब्द है, पर विचारधारा नू जदों खोलांगे हुण देखो मनुख की गल है। रोजाना इस अस्थान तो इंसानियत नू जगाउण वास्ते अपील की जाती है। मैं शब्द इंसानियत नू जगाउणा वरत रहा, साडा सिद्धांत है सरबत दा भला। सानू गुरु नानक साहब साढ़े समर्थ गुरु वड्डे सतगुरु ने यह बचन समझाए ने कि तू सरबत दा भला मंगना है ते उस दे वास्ते तत्पर रहना है। पर इंसानियत जगाण दी गल क्यों करनी पई, क्योंकि प्यार वाले हो बहुतात जेड़ी है वह दूसरी विचारधारा नाल जुड़ी है, और इंसानियत जागया ही धर्म कमाया जाता जे सेवा की जाती। जदों तक इंसान विच इंसानियत नहीं जागी, शरीर करके इंसान असी आख सकते हैं, पर गुरबाणी का सिद्धांत है करतूत पशु की मानस जात। कर्म करके इंसान है, कर्म करके सिरमौर है, कर्म करके वखरा है। हुण इस गल नूं मैं थोड़ा जा विचारा, ध्यान दिओ जे। दो अखर ने, एक अखर है हक ते दूसरा एक अखर आंदा है फर्ज। इन्हां दोनों नू जिस मनुख ने समझ लिया ते जीना शुरू कर दिता ते कदे भी साढ़े समाज के अंदर किसी तरह की गिरावट देखण नू नहीं मिलेगी। हक ते फर्ज। हक की है, 84 लख जूना अंदर मनुख नू सिरमौर गिणिया जांदा है। सिरमौर दे करम भी वखरे ने, सिरमौर दी जीवन शैली वखरी है। इस दा खाना पाना बोलना एक दूसरे नू समझना ते अपनी गल नू समझाउणा इस दे पल्ले पे है। इस दे विच ही इस दे जीण दे ढंग परमेश्वर ने आप वखरे बनाए ने। मनुख जिहड़ा है इस सोसाइटी विच रहण वास्ते रब ने तैयार किया है। मनुख विच ओ गुण रब ने पाए ने जिहड़े इकट्ठे रहण दे ने। कई जानवर ने तुसीं देखो, शेर है वह कल्ला तुरदा है, लेकिन हाथी नू देखोगे ते हाथी जेड़ा वो इकट्ठ विच तुरदा है। मनुख जेड़ा है ये जदों तक समाज विच सोसाइटी विच रह के चलदा है इसनू लोग सन्मान दिंदे है, जदों ये वखरा होके तुरन की कोशिश करदा है लोग इस ते कई तरह दियां तोहमतां लाउंदे है। इकट्ठे रहना परिवार की मैं उदाहरण दिना भी परिवार विच दे जे किधरे दो भरा ने ते जदों अड होण दी गल आउंदी ते उह कहिंदा मेरा भी तो इस विच हक है, मैनू मेरा हक दिता जाए। गल समझण वाली यह है कि वह अपने आप नू अड भी करना चाहुंदा है
पर बिना हक तो अलग नहीं होना चाहता। वह आखद बापू जी मेरा हक बनता मैनू दो ते मैं इस घर तो वक् होना चाहता। हक की गल है, हक मंगता है। लेकिन एक गल याद रखने वाली है, जे मनुख हक मंगता तो उसका फिर एक फर्ज भी बनता है कि हक लैण तो बाद सोसाइटी वास्ते अपने फर्जा बाखूबी निभावे, अपने रिश्तिया जाने, अपने समाज को पछाने। तो मुक्तसर गल करा, वो अपने समाज में मनुखता के गुणा जानते हैं, जिते हक की दुहाई पाँदा है उत्ते वो अपने फर्ज उत्ते भी पूरा उतरदा होवे। अज हक हर किसी नूं चाहिदा है, फर्ज तो हर कोई मुनकर हो गया है। जिहड़ा बेतरतीबा सिस्टम है ना, मैं फिर गल दोहराण लगा, तुसीं हुणे बचन सुने ने भाई साहब हुरां दे मुख तों कि अज किसी की बाह ना पकड़ी तो कल नूं उन्हां हत्थां दे वास्ते तरसना पै सकदा है, कल नूं उन्हां हत्थां दी जरूरत पैनी है जिन्हां हत्थां नूं अज छड़ के परां कीता होया है। क्योंकि सानू अपना हक तो पता है पर असी फर्ज नूं मुनकर, समाज डिसबैलेंस हो गया। गुरु नानक साहब जदों आए सन ना दुनिया विच, जदों गुरु नानक नाम का सिद्धांत प्रगट होया दुनिया विच, जदों मानवता नूं एकता विच परोण दी जाग दुनिया नूं प्राप्त होई, जदों उस विचारधारा ने सुते हुए जमीर जगाए संसार विच, उदों भी हालत कुछ एहो जी सी। लोक हक मंगदे सन, फर्ज तो हर कोई दौड़ रहा सी। सो इंसान जदों इन्हां दोनों ही गल्लां विच पूर्ण होएगा, उस वेले इंसानियत शर्मशार नहीं होएगी। गुरबाणी विच इन्हां गल्लां नूं जदों पढ़ांगे समझांगे, जदों असी गुरमत कसोटी नूं जाणांगे ते गल सामने आउंदी है। भाई गुरदास जी दे बोल साडे सामने आउंदे ने, किरत विरत कर धर्म दी, लै प्रसाद आण वरतन दा। दोनों गल्लां ने, किरत करदा तैनूं तेरा हक मिलदा है, परमेश्वर भी दिंदा है, जमीन की गोडी करदा, वाई करदा, बीज पाना, फसल वटदा, वणज लैके तुर पैंदा। लेकिन तेरा फर्ज है उसनू वंडना। पर यह ज्ञान, यह विचार, यह प्राप्त कितों होएगा? गुरु नानक साहब के ज्ञान नाल जुड़े हाँ, गुर शब्द बाणी नू जाने हैं, गुरु के चरणों विच आए हैं। क्योंकि अज के शब्द का आधार है धन ओ प्रीत चरण संग लागी। चरणों नाल जुड़न तो बिना असी तनाड़ भी गिने जा रहे हैं। बड़े रुतबे ने साडे, बड़ा माण मनुख अपना जनाना चाहता है कि मैनू वड्डा आखो, पर गुरु नाल जुड़ेगा तो पता लगता है कि आया किवें सी नंगा, जाना किवें है नंगा। सारी जिंदगी जन्म तो लैके जदों तक हिम्मत है जी रहा है, बड़े बड़े ब्रांड तू रखदा है पर जान लगे हाँ, इस गल नूं भुल जाने भी जिन्हां ना गरीबां नूं तू लताड़दा ना मंदा आखदा, कफन सभना दा इक्को ही है। शमशान विच संस्कार इक्को विधि ते इक्को ही जगह ते होना है। जींदे जी हाए हाए, पर रब ने भेजिया भी नंगा सी ते नंगे पैरी ही तुर पैना है। इस करके अपने हक दी जिथे समझ लई है उत्थे फर्जां नूं पछाण। जे मनुख फर्ज पछाण लेगा ते कदे भी समाज दे विच कोई झगड़ा नहीं हो सकता। इस करके ये प्रीत गुरु ने धन कही है। जदों गुरु कोल आके गुरु दे ज्ञान नाल जुड़दे हाँ ते मेरे सतगुर सच्चे पातशाह समझाउंदे ने, अमृत बाणी दे बचन ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच ये उपदेश है, खालक खलक
खलक मैं खालक, हक फर्ज सच नू जानना एक प्रकाश की लोड़ है, एक ज्ञान की जरूरत है, एक बाणी के उपदेश की बाणी के सिद्धांत नू समझन की जरूरत है। अगे मेरे मालिक ने फिर गल समझाना कीती, जिवें जिवें गुरु नेड़े आया मैं, जिवें जिवें गुरबाणी नू जानन दा यतन कीता, वैसे तो यह भी बड़ा एक सिद्धांत अद के क्लीयर हो गया इन्हां समयां विच कि गुरु नानक सच्चे पिता ने बचन कहे सन, दुख दारू सुख रोग पहया, जे रब ने खेड वरताई लोकी घरां विच बैठे ते रंग तमाशियां नाल ते उलझे ही उलझे ने, पर एक गल जरूर है प्यारेओ, गुरबाणी दे पाठ सिमरन दी भी थोड़ी जी जिहड़ी रीत सी ओ वधी है, तां बाबा नानक दे बचन समझ पए भी वाकई दुख वेले बाबे तो बिना चेते आंदा ही कोई नहीं। ये गुरु ने ज्ञान दिता है ते मालक कहिंदे मोहे अनाथ दास जन तेरा, अवर ओट सगली मोहे त्यागी। ऐ मेरे वाहिगुरु मैं अनाथ हाँ, मैं निमाणा हाँ, मैं गरीब हाँ, मैं आजिज हाँ, मैं मंगता हाँ, मस्कीन हाँ तेरे दर दा, ते दास हाँ तेरा, दास जन तेरा, तेरा सेवक हाँ। अवर ओट, अवर कहिंदे ने होर नू, ओट आखी दया आसरे सच्चे पातशाह, मैं तेरे दर दा चाचक बन के आया हाँ, पर आया इस तरह हाँ भी मैं होर आसा उतार दितियां, छड़ दितियां, दूजे विश्वास भरोसे ला छड़े ने। बचन ते भावें असी पढ़दे हां रोज ही, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। ऐ मेरे मालिक मैं तेरे द्वारे ते आया, सारे दर दरवाजे आसरे परने छड़ आया, हुण अरजोई है बाह गहें की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए। सच्चे पातशाह मैं चारे कुंडा भालिया, तुद जे वड़ना साइया, मैनू तेरे वर्गा कोई दिसदा ही नहीं, मैं थक हार के तेरे दर ते आ गया। इस बारे खैर जदों गुरबाणी का पाठ करांगे ते सानू होर विश्वास प्राप्त होवेगा। मनुख धर्म दे कर्म भी बड़े सारे करदा, उन्हां कर्मां तो भी थक हार जांदा क्योंकि प्राप्ति नहीं होंदी, क्योंकि रस्ता गलत है। गुरबाणी समझाउंदी अवर काज तेरा किते ना काम करी जांदा, कर्म धर्म पाखंड जो दिशा ते तुरिया फिरदा। ते गुरु अर्जन साहब दे बचन ने भी पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे, पंच जना सिओ संग ना छुटक्यो, अधिकांग बुद्ध बाधे। प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। जदों मैं हार के आप दे चरणा नाल जुड़िया, तुसी मैनू विवेक बुद्ध दिती, विवेक मत दिती। विवेक मत दा भाव है ओ विचार, सच ते झूठ, अडंबर पखंड ते निरोल तत्त नू वख करन दी जुगती जड़ी है, वह है विवेक ज्ञान। उसनू कहा जांदा विवेक मत। विवेक बहुते ग्रंथ याद करन दा नाम नहीं, की होया जे ग्रंथ याद ने, की होया जे बहुत सिद्धांत चेते ने, लेकिन तेरी कर्म शैली ते वही अडंबर दी है, फिर समझ लै भी तैनू विवेक नहीं मिलिया, तत्त नहीं ज्ञान मिलिया। तत्त ज्ञान की है? सच ते झूठ नू परख लेना, सच ते झूठ दा निबेड़ा करना। गुरु नानक ने यही ते सानू बख्शिश कीता, केड़ा कर्म तेरा कीता थाए पै सकदा है, किते ऐसा ना होवे सारी जिंदगी पानी विच मधाना रिड़कदा रवे।
इस करके हजूर कहंदे ने ऐ मेरे मालिक मैं गरीब तेरा सेवक बन के तेरे दर ते आया हाँ ते आया इन जा भी होर आसा मैं छड़ के आया। इस गल नू भी थोड़ी जी तवज्जो देना। इतिहास दे विच साडे सामने इस बाणी दे सिद्धांत दे तत् अखर आंदे ने। गुरु अर्जन साहब पिता महाराज कोल एक सिख आया जिसका नाम सी भाई मंझ। ते भाई मंझ गुरु दरबार विच आउण तो पहला सखी सरवरिया सी, पर जिस वक्त गुरु पिता जी दे चरणा विच आके नतमस्तक होया ते हजूर पासों मंग कीती कहिंदा दाते आ सिखी लैणी है। ते मेरे मालिक ने इको बोल के असी आखण लगे मंझ सिखी उत्ते सिखी नहीं टिकदी। जिहड़ा तत् है जिहड़ा विवेक है वह यही गल समझाउंदा भी तेरिया आसावां किते होर भी अड़ियां है, तेरा भरोसा किते होर भी है, अकीदत किते होर भी वंडी फिरदा, ते तेरा मन करदा भी मैं जिथे आया बाबे कोलों भी सब मिले। मालक कहिंदे ने तैनू सब कुछ त्यागना पएगा, बाकी आस छड़नी पएगी। जे तू गुरु दरबार आया ते गुरु दे ज्ञान नू सुनिया कमान लगा ते फिर ये बचन भी असी रोज पढ़ते हाँ। जे पहलो नहीं छड़ के आया ते भाई मंझ भी नहीं सी ना छड़ के आया, पर गुरु दे बोल सुन के मुड़ के सब कुछ ही छड़ दिता ते गुरु ने मान भी बख्शिया भी मंझ प्यारा गुरु को गुरु मंझ प्यारा। मंझ गुरु का बोहे था जग लंघन हारा, कि डा मान मेरे दाते ने बख्शिया कि अपने दरबार आए नू कह दिता जे सिखी नहीं मिल सकती, पर जिस वक्त देखिया भी ये सब कुछ छड बैठा मेरे गुरदेव अपने दरबार विचों उठ के उस बाहर जंगल बियाबान वल आप चल के सिखा नाल गए। भाई मंझ नू गले नाल लाया खूचो कढ के ते उत्थे ही कह दिता भी तू ते गुरु दा प्यारा है। गल है जो बाकी आसा टुट दियां हार परयो स्वामी कै द्वारे दीजे बुद्ध विवेका अवर ओट सगली मोहे त्यागी। यह गल फिर समझ आ जाती है। एक बचन पढ़ते हैं रोज, जे दाते आ सारे दर दरवाजे छड आया हाँ तेरे वर्गा कोई नहीं, ते जे किधरे मन विच रंचक मात्र भी गल सी ते गुरु दे बोल सुन के फिर ये बचन सामने आ गए। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने। बाकी भी टुट गया फिर मुकम्मल तेरा सेवक बन गया। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो, हुण विश्वास बन गया भी तू ही तू है, हुण भरोसा बन गया तू ही तू है। पर ये विध बनी जदों हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हेदा समझ गया ज्ञान पै गया। फिर बचन अगे मालक कहंदे ने होर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। होर परम होर जेड़ा शब्द भरम दे नाल जुड़िया है ये भरम दे वास्ते है भी भरम बिल्कुल भी रत्ती जिन्ना भोरा भी भोर दा अर्थ ते भोरा भाव बिल्कुल भी भरम अंदर हुण नहीं रहा। मालक ने सारा भरम कट दिता, पर कटिया कदों प्रभ सिमरत जदों परमेश्वर दा सिमरन कीता। इको कम नहीं कीता, खाली सिमरन ही नहीं कीता, अगली गल नाल होर है ज्ञान अंजन मिल सोबत जागी। जदों मेरे गुरु दे ज्ञान दा सुरमा मेरिया अखां विच पै गया मैनू समझ आ गई सच दी, मैनू दिखाई देन लग पया सबह घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। ये जड़े जीव ने ये सारी मालिक दे बनाए हुए है। हवाला जा दिता सी हुणे भाई साहब होरां ने
कि सिखां विच इतिहास साढ़े सामने एक ते छोटी जी बेनती करा इतिहास जिहड़ा है ना वह असल दे विच किसे कौम का एक तत्त ते नहीं है एक ये धुरी नहीं गिणिया जाता सिद्धांत नहीं हुंदा इतिहास सिद्धांत कमाण वालिया दी ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਕੇ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਗਿਆ। ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਚਾਨਣੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰੋ ਪਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਭੋਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲ ਸੋਵਤ ਜਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 1876 ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁਤਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਵੰਡੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਸਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਦਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ,
ते लड़ाई विच उन्होंने सबना ने इको एक निशाना बनाया पेट नू, कहन लगे ये पेट जेड़ा है आप ते कुछ करदा नहीं, हाथ कहंदे असी कमा के लियाने आ ये खा के रख सांभ लैंदा है, पैर कहंदे असी तुर के जाने आ गर्मी सर्दी कंडे कच्चा पक्का असी जरदे आ, अखां ने भी अपनी आवाज दित्ती कन्ना ने भी अपनी आवाज दित्ती, होया कि सारे कहंदे भी वखो वखो जो देखदे आ की करदा है। गल खिलरी इतनी वध गई कि अंगा ने आपो अपना कम करना छड़ दिता, पर सच यह है कि जदों थोड़ा ही समा अजे लंघिया अखां खुलन नू तैयार नहीं, हथ उठन जोगे नहीं, पैर चलन जोगे नहीं, सब जवाब दे गए। जदों सारे जवाब दे गए इस पेट ने फिर आवाज दी, कहन लगा भी की होया, आखन लगे साढ़े विच ते ताकत ही कोई नहीं। आखदे भलियो हर अंग नू परमेश्वर ने आपो अपना जिम्मा दे के टोरिया है, वो आपो अपना कम करदे है, हथ कमा सकदे है, हथ खा नहीं सकदे, मुंह बोल सकदा कन नहीं बोल सकदा, आपो अपनियां जिम्मेवारियां नू फर्जां नू बाखूबी निभाउंदे आ, तुसी आपो अपना हिस्सा मेरे हवाले कर दियो, मैं उसनू सांभदा हाँ, पर सामण तो बाद उस सारे दा सारा मैं वापस भी थवा नहीं करदा, मैं ते रखदा ही कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं रखदा। यह गल जदों बुजुर्ग ने समझाई सी ना ते उसकी पूरी बिरादरी उसकी कौम उसकी जमात इकट्ठी होई, अज सानू इस गल की लोड़ है, क्योंकि रोज ए असी भी लोग दर्द महसूस कर रहे हैं, साढ़े तक संदेश गुरु घर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन दुख नाल कहना पैंदा है, दिखाई देने दे बावजूद भी असी उन्हां हाथां पैरां ते अख नक मूह वांगू वखो वख होना चाहते हैं। गुरु प्यारे हो बेनती करा, सब पारदर्शिता है, कोई छुपे ही गल नहीं, अज अगर भंडार गुरु नानक दे घर दे संगतां ने भर दिते है ते ये भंडारे गुरु प्यारे हो संगतां नू ही वापस परत मोड़े जा रहे हैं। यह एक सेंटर है, एक केंद्र है, यह अपनी जिम्मेवारी नू निभाउंदा है। इत्थों तक लोग कहंदे आ सुने, मैं तां करके बेनती करन लगा भी अज आपो धापी दी लोड़ नहीं, अज केंद्रित होके आपो अपने फर्ज पछाणन दी लोड़ है, इकट्ठा हो रहा है की कर रहे है, यह तो उन्होंने पुछो जिहड़े सड़कां ते सिख देख के, यह कोई अज की गल नहीं, खैर इस गल नूं मैं ना बहुता दोहरावां, यह अज की इस महामारी की गल नहीं, वो समा अबदाली का कदे याद करो, यह दस्तार, यह सिख का कशहरा, यह सिख का किरदार जिहड़ा है, यह इतिहास के विच लिखिया पिया है। वह वक्त सी जदों ये हिंदुस्तान की इज्जत आबरू नू लुट के, इत्थों दियां सोहणियां बच्चियां नू लुट के, ये दुरानी दे लोक, ये जिहड़े अफगानी दे लोक सन, ये जदों लुट के लै जांदे सन ना, ते उदों दस्तार वाले नू देख के आवाजां दित्तियां जांदियां सन। ये कोई अज दी गल नहीं, ये गुरु सिक्खी दे विच ये मुख अंग गुरु ने पाया है, ये गुरसिखी आरंभ इतों होंदी है। तुसीं कदे पढ़ना गुरसिख की रहनी की है, सिख की मर्यादा की है, दो ने शख्सी अते पंथक, जदों शख्सी पढ़ांगे उस विच तीन गल्लां सामने आउंदियां है, नाम बाणी का अभ्यास जो अज दे शब्द का रहाओ सी गुरु चरणा नाल प्रीत, क्योंकि प्रीत नाल अभ्यास आरंभ हुंदा है, फिर उस तो बाद उस दी जिंदगी अंदर गुरमत की रहनी आ जाती है, अच्छा क बुरा की है, ते उस दे विच जो तीसरा काम पढ़ते हैं उत्थे आ जाता है सेवा। यह है शख्सी, पर जो हर शख्स इस गल नू कमाएगा ते शख्स का नाम नहीं लोग जान दे,
चुनिंदा बंदियां दा पता हो सकता है बैठिया नूं सानू कि फलाना वो बैठा है वो लोग वो ने, लेकिन थानू एक बेनती करा जदों भी कोई दस्तार वाला दिसदा लोग कहिंदे गुरु दा सिख तुरिया जांदा है, उत्थे नाम सिख दा कोई नहीं जानदा क्योंकि वह सख्शी रहनी विच सेवा नूं जानदा है। ते बेनती कर रहा सां इह खालसे नूं विरासत विच मिले है, इह बाबे वल्लों दित्ती होई बेशुमार कीमती दात है। जदों कोई वाली वारस नहीं सी हुंदा ते आवाज दित्ती जांदी सी मोड़ी बाबा डांग वाले आ, मोड़ी बाबा कच्छ वाले आ। दूसरा बोला सी आए ने निहंग बूहे खोल दो निसंग, शब्द निहंग खालसे नहीं सी, अज एक खास फिरके नाल जुड़े है, एक लिबास नाल जुड़े है, ते बदनामी वाला पक्ष भी कई बार असं उजागर करते हैं। खैर समा नहीं, मैं केवल टूक मात्र बेनती करा, यह कोई अज की गल नहीं, इस करके किंतु करना सब नालों माड़ा काम है। मैं बेनती उदाहरण देन लगे इस करके की है, पेट का अपना काम है, जे पेट नाल जुड़े अंग काम करनगे पेट की सेवा करनगे ते इना दी ताकत बरकरार रहेगी। वरना एक गल चेते रखियो, साड़ी कौम साड़ा पंथ साड़े गुरु का सिद्धांत यह एक पेट की तरह सानू संभाल के रखता है, जे वक् वक् होवांगे ते कमजोरी बन जाएगी। और अज यह जुबान बोलती है कल नू खूब आवाजा मारियां भी, क्योंकि पेट नालों रिश्ता टुटदा है, उसकी कमजोरी करके ही यह सारा खिलारा पै सकता है। अज ये जेड़ा बचन सामने साढ़े गुरु का आया है कि भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी, अज गुरु दे ज्ञान दा सुरमा अखां विच पाओ, दुनिया दे दिखाए हुए सबज बाग दुनिया वालों दिता होया फर्जी सुरमा जेड़ा थोड़ी देर वधिया दिखा दिंदा है मुड़ के फिर पहला नालों भी ज्यादा धुंद पै जांदी है, वह सुरमा कामयाब नहीं होया करता। गुरु की बाणी सेवा ते सिमरन किरत करनी नाम जपना वंड छकना, और वह सिद्धांत के लोग तरले लेंदे सन कि किते खालसा साढ़े वालों भी लंघ जाए, क्योंकि खालसा लुटेरा नहीं सगो अपने विच्चों वंडना जानता, एक सिद्धांत है गुरबाणी विच, अणहुंदा आप वंडाए, अणहुंदा। बड़ी हैरानगी होंदी है, एक तो यह भी बंदे कोल बड़ा कुछ है वह वंडे, एक है अणहुंदा जो हवाला दे रहे सन सिंह साहब कि एक एक प्रशादा जेलों में परख की गई खालसे की, एक बच्चा एक नौजवान एक बुजुर्ग उन्होंने दिता गया लम्मा समा भुखा रख के एक प्रशादा के देखते हैं किदा वंड के जा सिखाना जानते हैं, कि संतोखी किवें हो सकते हैं। वह जो तो सारी गलबात हुई वह प्रशादा बुजुर्ग के हवाले से, बुजुर्ग ने नौजवान को दिता, नौजवान ने बच्चे नूं दिता, और आपो अपना फर्ज निभांदे आ दिता कि मैं बुजुर्ग हाँ मेरी हुण बहुत लंबी उम्र नहीं, तेरी लोड़ है कौम नूं। वह कहिंदा नहीं मैं अजे तगड़ा हाँ अजे सांभ सकदा, बच्चे नूं लोड़ है। बच्चा कहिंदा बुजुर्गो मैनूं ते पता ही कुछ नहीं, तुहाडी विचार दी तुहाडी सिद्धांत दी तुहाडे उपदेश दी तुहाडी गाइडेंस दी लोड़ है। सो गल की उन्होंने मुड़ के उत्ते निस्से करके खा लिया। यह तो वह दरबार है जिथे एक मुठ तिल मिलते तो उन्होंने भी रगड़ के गुरु बाबा जी ने बचन कहे सन, कहते इन्हों रगड़ के पानी च मिला लो लंगर च वरता लो, भावना के उत्ते सिखी का धुरा टिकता है। यह ना होवे दे के ते लोग शोभा करन, जिथे ये विचार तर उत्ते अणहुंदा आप वंडाए नहीं है। खैर ज्ञान गुरु का लईए सेवा सिमरन करिए, साडे भरम गुरु भोरा जिन्ना भी जीवन विच नहीं रहन देगा। अगे बचन है तू अथा अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी, कहते मालिक तू अथा है तू बहुत वड्डा है, ते जिथे वड्डा स्वामी है उते कृपा सिंध है। कृपा सिंध, सिंध कहते ने समुंदर नू, ते कृपा का अर्थ है दया, दया का समुंदर है तू, दया का सोमा है। और सच जाने
दया जिथे है उथे ही धर्म है। दया तो बिना धर्म नहीं पैदा होंदा। रोज बाणी पढ़ते हैं धौल धर्म दया का पूत। धर्म दया नाल पैदा होंदा है। जिहड़े लोग दुआइया पाउंदे असी धर्मी हाँ पर खजानिया नू सांभ सांभ रखदे है, जरूरतमंद की जरूरत पूरी ना कीती। एक शायर की गल कह के मैं अखीरला बचन विचारा, उसने बड़ा सुंदर लिखे है। वो आखद सवालिया गल करदा है, कहिंदा कदे भुखा रजाया ही ते दस खां। कहिंदा किसे भुखे नू रजाया कदे, कदे किसे दे हाथ ते प्रशादा रखे है? कदे भुखा रजाया ही ते दस खां, कदे रोंदा हसाया ही ते दस खां। कहिंदा कदे किसे रोंदे नू हसाया है? दस मैनू जे तेरी जिंदगी च है, तू धर्मी है, तू सिमरने लैके फिरदा। अगे अखीर उसने गल कर दिती, कहिंदा कदे रोंदा हसाया ही ते दस खां, कदे भुखा रजाया ही ते दस खां। जे किसे दा पाटा जखम नहीं सीता ते गल चेते रखी, सारी जिंदगी माला ही फेरी ते एक गल याद रखी, तू कख भी नहीं कीता। की होया जे सिमर ने फेरी जाना है? जरूरत है धर्मी बनन दी। धर्मी दया नाल ही बनदा है। जिस विच दया नहीं वह धर्मी नहीं हो सकता। ते जिथे ज्ञान है उथे दया की समझ पैंदी है। अज दे शब्द का आधार सी गुरु के चरणों विच आके गुरु के ज्ञान नू समझो। ये गल जाणो सच्चे पातशाह मैं ते नंगा ही आया सां, बाणी सानू यही समझ आती ना, मात गर्म है जिन्हें उबारिया रब ने संभालिया, फिर बार विवस्था तुझे प्यार है दूध रब ने संभालिया, भर जोबन भोजन सुख सूद बरकत दिती, फिर बिरद पया उपर साख सैन ये भी रब की कृपा है, मुख पयाओ बैठको दैन ते फिर तेरा फर्ज है उस दे दिते नू अपने शरीकां विच भरावां विच मनुखता विच वंडन का जतन कर। इस करके गुरु ने फिर अखीर बचन आखे है, कहिंदे तू कृपा दा सागर है, पूर्ण रत्ना दा खजाना है, तेरी टेक सानू चाहिदी है क्योंकि तेरे बरकत नाल ही दया पैदा होनी है। ते पातशाह कहिंदे नानक जाचक हर हर नाम मंगै, दास नानक जाचक नानक तेरे दर तो जाचना करदा, मंग की है? हरी दे नाम दी मंग है। कहिंदे मस्तक आन धरियो प्रभ पागी, कहिंदे मैं इस नाम लैण लई तेरे दर ते आया ते तेरे चरणों दे विच पागी दर ते पैरां ते पगां विच चरणों विच मैं अपना मस्तक जिहड़ा ओ तेरे सुपुरद कीता है। सो गुरु प्यारे हो अज दे शब्द दा जिहड़ा मूल सिद्धांत है ओ यही है कि असी अपने गुरु दे विच विश्वास अकीदत बाणी विच रखदे हां, शब्द दे ज्ञान नू कमाईए ते जो बरकतां मेरे दाते दियां हन अज उन्हां दी लोड़ है, साडा कुछ भी नहीं, सब कुछ उसे दा है। भावें पढ़ी जाने आ जियो पिंड सब तेरा, तन भी तेरा धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, पर इस नू पढ़न दे नाल नाल इस नू कमाईए ते जो सेवावां जो जतन उद्दम असी कर सकते हाँ वह करिए। इंसानियत दी अज जरूरत है सेवा, उस दा लाभ सानू भी मिलना है क्योंकि असी जदों सेवा करांगे ते मालक आप अपने सेवकां दी इज्जत पत रखदा है। सतगुरु कृपा करन गुरबाणी नू आधार बना के वक्त दी नज़ाकत नू पछाण देआं, जतन करो वध तो वध सेवावां विच हिस्सा पाओ अते गुरु साहब दे बाणी दे ज्ञान नू कमाण दा जतन करो। इतने एक बचन प्रवान करने, होईयां बेअंत गलतियां भुलण लई दस खिमां दा जाचक है। गुरु दे बोल गुरु दी विचार अपने पल्ले बनण दा जतन करिए जी, फिर खिमा मंगदा फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।